वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स जो कि आपको ट्राई करने चाहिए। वैसे ये प्रोडक्ट्स थोड़े रैंडम हैं लेकिन फिर भी यूज़फुल हैं, और स्पेशली लाइक विंटर सीजन आ चुका है, वेडिंग सीजन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो मस्ट हैव है इस विंटर सीजन के हिसाब से, क्योंकि ड्राइनेस का प्रॉब्लम सभी को होने लगता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ बायो ऑयल की। बायो ऑयल आपके स्ट्रेच मार्क्स के अपीयरेंस को कम करता है, आपकी स्किन को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है, अपीयरेंस बेटर करता है, अनइवन स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, तो इवन उसको भी धीमे धीमे ये कम करता चला जाता है। और ऑब्वियसली है कि ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए तो ये बेस्ट है ही। सो एक तरीके से इतने सारे बेनिफिट हैं कि इसको यूज़ करना तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये है शुगर की स्ट्रोप क्रीम, और ये सच में कहूँ बहुत ही क्लोज ड्यूप है मैक के स्ट्रोप क्रीम का। ये बिल्कुल भी शिमरी ग्लिटरी नहीं है, बहुत ही नेचुरल सटल ग्लो देता है, बहुत ही फाइन फॉर्मूला है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। ये बहुत सही है आपको हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज ड्यूई स्किन देने के लिए। आप इसको विदाउट मेकअप और अंडर मेकअप जैसे चाहे वैसे वेयर कर सकते हैं, और बहुत ही नेचुरल ग्लोई स्किन देता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो है, और बिल्कुल भी शिमर और ग्लिटर ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्मूथ फ्लॉलेस ग्लोई स्किन लगती है। तो अगर आप मैक स्ट्रोप क्रीम जैसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हर किसी को इस सीज़न में अपनी स्किन ड्यूई पसंद है, हर किसी को अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए होता है, तो ऐसे में ये प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से मस्ट है हर किसी के लिए, डिपेंड नहीं करता है सीज़न क्या है या ओकेजन क्या है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ फेस मास्क की। ये है जॉकी का फेस मास्क, और ये हमेशा ब्लैक कलर में आता है। आपको 2 का पेयर मिलता है, कुछ प्राइस आई थिंक 400 शायद है। इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइज जो लिया है वो M लिया है। तो अंदर से ये कुछ इस टाइप की इसमें लाइनिंग है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन टाइप है तो इरिटेशन नहीं होता, और बाहर से जो लाइनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आप कह सकते हैं ये डबल लेयर मास्क है। इसमें अंदर स्ट्रिप भी दी है, तो आप अपनी नोज पे टाइट कर सकते हैं, और इधर जो ईयर्स पे पहनने वाला है ये भी टाइट करने वाला है, तो अपने हिसाब से आप टाइट कर सकते हैं। कुछ कुछ इलास्टिक्स बहुत टाइट होती हैं तो कान दर्द होने लगता है, पर ये बहुत ही कंफर्टेबल मास्क है। सो आप आराम से लाइक ऐसे वेयर कर सकते हैं। अगर मेरे यूज़ करने की बात है तो मैं इसे ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये एक्चुअली मेरा ही मास्क है, और इसमें ज़्यादा कलर नहीं आता, आई थिंक सिर्फ ब्लैक ही आता है, पर बहुत ही क्लासी लगता है। जो इसका शेप है बहुत अच्छा है, आपके फेस को अच्छे से ये ढक लेता है और टाइट रखता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे पास यहाँ पे है ये हेयर स्ट्रेटनर। ये फिलिप्स का केरा शाइन स्ट्रेटनर है। मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक्चुअली फिलिप्स के 2 स्ट्रेटनर है। जो दूसरा स्ट्रेटनर है मेरे पास वो भी ये फिलिप्स का है। ये है इसका सेल्फी स्ट्रेटनर, और इसके जो ये क्या कहते हैं जो स्ट्रैप्स हैं, फ्लिप्स हैं, जो भी हैं, ये काफ़ी पतले हैं, काफ़ी स्लिम टाइप का है, तो और काफ़ी हैंडी इजी है होल्ड करना लाइक ऐसे। और ये वाला आप देख सकते हो ऑब्वियसली इसका साइज़ फुल साइज़ है, बड़ा साइज़ है, पर स्टिल इसको भी होल्ड करना इजी है। पर ये ज़्यादा आपका जो हेयर है आप इसमें ज़्यादा ले सकते हैं, और इसके प्लेस क्योंकि बहुत ही ह्यूज और फ्लैट हैं तो बहुत अच्छे से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हेयर आप अच्छे से स्ट्रेटन कर पाएंगे, जो कि इसके साथ नहीं है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सिंपली अगर आपके लंबे बाल हैं, अगर आपके पतले बाल हैं, आपको डर लगता है कि आपके बाल बर्न ना हो जाएं, जल ना जाएं, आप बहुत सेफली यूज़ करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी आप इसको बाय करिए, क्योंकि जो प्लेट्स हैं बहुत सही, आपके बाल कहीं फंसते नहीं हैं, बहुत ईजिली और स्मूथली ये ग्लाइड करता है। मेरे खुद के हेयर इतने थिन है कि इवन स्ट्रेटनर एटनर को ऐसे करने में ही लगता है कि बाल ना टूट जाए और बर्न ना हो जाए, क्योंकि इतने थिन हेयर है। तो ऐसे में मैं इसे रिकमेंड करूँगी। अगर आपके हेयर भी मेरी तरह काफ़ी थिन है और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी है, सब कुछ है, बहुत स्मूथली जल्दी आपके हेयर स्ट्रेट कर देता है। ये इसके साथ है, ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सस्ता है उससे, लेकिन इस स्ट्रेटनर के साथ ये है
वैसे तो ये बेस्ट है कि अगर आपके छोटे बाल हैं तो ये छोटे बालों को जल्दी कर लेता है, यू नो आगे बाल होते हैं आपके इतने इतने जो हेयर शोल्डर लेंथ होते हैं उसके हिसाब से ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके प्लेट बहुत पतले हैं, छोटे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हेयर ले पाएगा एक बार में। प्लस इसका जो बॉडी है बहुत अच्छा बिल्ड नहीं है। मेरे साथ क्या होता था, मेरे बाल इधर जो प्लास्टिक प्लेट्स होते थे इन सब के कोने में फंस जाते थे, तो टूट जाते थे, मतलब इधर उधर फंसने के चांसेस है। और इसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपको सीधे स्विच से ऑन ऑफ करके ही करना पड़ेगा, ये अपने आप कट ऑफ नहीं है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगती थी। लेकिन फिर भी इससे काम आप जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ही स्ट्रेटन करना है, सारे बाल स्ट्रेटन नहीं करने तो काफ़ी हैंडी ये है। पर अगर आपको प्रॉपर लेंथ स्ट्रेटन करनी है और आपके बाल बहुत नाजुक हैं, आप यू नो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैं कहूँगी आप इसे ट्राई करिए। सो गाइस, लास्टली जो मैंने बाय किया है वो है एक्चुअली ये नेकलेस, जो कि इस वेडिंग सीजन के हिसाब से मस्त है और मुझे सच में बहुत प्रेटी लग रहा था। ये आई थिंक है जवेरी पर्स का, क्योंकि जवेरी पर्स में फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, इसलिए मैं अक्सर उन्हीं के नेकलेस मंगा रही हूँ। तो ये एक्चुअली लंबा वाला है, मैंने इस बार लंबा वाला लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो इसका नीचे का पेंडेंट वाला पार्ट है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ये पिकॉक जैसे बना हुआ है, और ये इस टाइप का आपका ये यहाँ पे आएगा। मुझे खैर ये जो पर्ल्स हैं ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब उम्मीद तो होती है ना थोड़े बड़े वाले जो सॉफ्ट वाले होते हैं, ये इस टाइप का तो आपने देखा होगा हमेशा गले के हार वार मिलते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो फिनिशिंग है, जिस तरीके से बना है, बहुत ही खूबसूरत है। और ऑब्वियसली जिस प्राइस में मैंने लिया उस हिसाब से तो मुझे यही मिलना था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो मुझे पैसे और देने चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा नेकलेस है कि कोई भी एज का इंसान इसे वेयर कर सकता है। अगर आप साड़ी वेयर करते हैं, आप बहुत क्लासी कम करते हैं, तो आप सिर्फ इसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसे वेयर कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक नेकलेस अपना पहन के फिर लंबे हार के तौर पे इसको ले सकते हैं। मुझे स्पेशली जो खूबसूरत लग रहा है वो ये पार्ट है, मतलब अगर आप पहनोगे तो नज़र तो पक्का जाएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रिटी है। इवन इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है इसके इयररिंग्स, आप देख सकते हो इसमें पिकॉक बना हुआ है, तो सच में इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आई थिंक ऐसे लॉन्ग हार का मल्टी यूज़ है, क्योंकि आप इसको अकेले भी पहन सकते हो और किसी के साथ पेयर अप कर सकते हो, तो ऐसा लगता है पूरा सेट तैयार हो गया। तो यू नो अच्छी चॉइस है कि आप एक लंबे नेकलेस पे पैसे लगाएं। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो, आपको कैसे लगे मेरे 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स? आई नो थोड़े से रैंडम थे लेकिन फिर भी यूज़ के थे। जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।